नमस्कार, मैं हूं एमके सोनी और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज हिमाचल। आज हम आपको लेकर आए हैं जिला मंडी में और आज हम मिलेंगे लता पठानिया जी से, जिनको आप काफी समय से जानते हैं और वो किसी पहचान के जो मोहताज नहीं हैं। संगीत जगत में काफी लंबे समय से जो है वो अपना नाम कमा रहे हैं। और मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एसएम न्यूज हिमाचल में। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो दौर गुजरा आपका संगीत का, आपको 4-5 साल से आप गा रहे हैं, इतने गाने आपने गाए, कैसा दौर रहा मैम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे हर स्टेप पर सीखने को ही मिल रहा है जी। क्योंकि जैसे आपको पहले से पता है कि मुझे सिंगिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो जैसे जैसे मैं नया से नया प्रोजेक्ट रख रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, तो मुझे साथ साथ में सीखने के लिए भी मिल रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं डे बाय डे प्रोग्रेस कर रही हूँ जी। मैम, प्रेरणा का आपने बताया कि जैसे आपके पास लोग, अन्य बच्चे भी जो है वो आपसे सीखते हैं, तो क्या स्कोप रहता है बच्चों के लिए आपके पास अगर छात्र सीखना चाहता है? हमने सुना है काफी आपने बच्चों को सिखाया है, अपने जो आपके स्कूल है, आपका एक स्कूल में प्रधानाचार्य हैं, उन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी आप ट्रेनिंग देती हैं सिंगिंग या डांसिंग को लेकर, तो क्या स्रोत रहता है आपका इसके लिए? बच्चे का जो मन होता है वो एक कोरे कागज की तरह होता है। आप जिस भी तरह की कोई पिक्चर उसके ऊपर बनाना चाहते हैं, बच्चा वैसे ही बन जाता है। तो सिंगिंग की अगर जहाँ तक हम बात करें कि बच्चों को सिखाने की बात है, तो बच्चों का दिमाग बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, जैसे चाहे हम उनको मोड़ सकते हैं, आवाज उनकी कोमल होती है और बच्चों में सीखने की भावना भी ज्यादा होती है, तो उनको हम टाइम टाइम पे मोटिवेट करते हैं, उनके क्लासेस भी लेते हैं और बच्चे अच्छा कर रहे हैं जी। मैम, जैसे कि आपने सिंगिंग में 4 साल से ऊपर आपको हो गए हैं सिंगिंग, तो अभी कौन सा गाना जो है वो आपका फेवरेट गाना रहा है आज तक, जो आपने इतने गाने गए हैं, अपने गानों में से आपका कौन सा गाना ऐसा है जो आपका फेवरेट रहा है? हो सकता है मेरे गाने आपको पसंद आए ना आए, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी बात है, तो मुझे तो अपने हर गाना बहुत अच्छा लगता है और अपने गानों को मैं बार बार सुनने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उन्हीं से ही मुझे अगले गाने के लिए सीख मिलती है कि इस गाने में अगर कोई कमी रह गई है तो मैं अगले गाने में उसको पूरा करूँ। तो मुझे तो अपने हर गाने पूरे अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके अलावा सबसे पसंदीदा मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो आपके सभी गाने अच्छे हैं, लेकिन जो आपका खुद का मनपसंद गाना है, लोगों ने भी उसको काफी पसंद किया है, वो गाना, उसके दो बोल अगर आप हमारे दर्शकों को और अपने चाहने वालों को सुना दें। मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। शिव के लासों के बसे थाली धारों के राजा, शंकर संकट हरे के लासों के वासी धालीधारों के राजा, शंकर संकट हरिणा, शंकर संकट हरिणा। इस भजन को काफी लोगों ने गाया है और मुझे पहले से ही बहुत पसंद था जी। और इसलिए बार बार जब भी गुनगुनाने का मन करता है तो मैं इस भजन को जरूर गुनगुनाती हूँ। ये तो बात होगी आपके अपने गानों की, लेकिन इसके अलावा जब आप सिंगिंग में नहीं थे, आज हैं, तो अपने गानों के अलावा जो पहाड़ी संगीत जगत में है जी, किसके गाने, कौन से गाने आपको जो है वो अच्छे लगते हैं? जहाँ तक हिमाचली कल्चर की बात है, मन को मोह लेने वाला है, बहुत मिठास है उसकी। आप कहीं भी जा करके, देश में विदेश में जा करके जब हम अपने म्यूजिक को सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है जी। तो बहुत अच्छे गाने सभी सिंगर्स ने गाए हैं, बहुत अच्छा अपनी तरफ से सबने प्रेजेंट किया है जी। तो मैं एक छोटा सा थोड़ा गाना गुनगुना करके आपको सुनाना चाहूंगी जी, बिल्कुल। मायने मेरी शिमले चंबा कितने की दूर है,
चंबा कितने की दूर, बहुत अच्छा गाना है, मिठास है इन गानों में जी। अगर हम बात करें आप पंजाबी टच में भी जा रहे हैं जी, तो धीरे धीरे जो है वो आपने जो है वो काफी नाम कमाया है और काफी स्ट्रगल आपने किया है जी। स्कूल इसके अलावा संगीत के अलावा आप स्कूल भी चलाते हैं, एक आपका स्कूल है जी। तो मैम हमने सुना है कि आप अभी जो है वो राजनीति को भी अपना जो है वो एक आपको छोटा सा पद मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मैम इतनी चीजों के लिए समय निकालना कैसे मेंटेन करते हैं मैम? अब आपने एक ही प्रश्न में आपने तीन प्रश्न पूछ डाले मेरे से। एक तो पूछा कि मैं पंजाबी टच में भी जा रही हूँ, दूसरा आपने स्कूल का पूछ लिया, तीसरा आपने राजनीति का पूछ लिया। तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि जैसे पंजाबी टच की आपने बात की है, तो मेरा एक भजन है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था उसे, तो मैं उसकी एक लाइन आपको सुनाना चाहूंगी। मेरे गणपति बप्पा मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईयां, मेरे कर्मा वल ना वेखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुईयां, मेरे गणपति बप्पा मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईयां। बहुत ही बढ़िया मैम। मैम इसके बारे में मैंने आपसे अभी सवाल रखा था कि मेंटेन कैसे करते हैं आप अपने आप को इन सब चीजों के लिए, क्योंकि स्कूल को भी समय देना पड़ता है, अब राजनीति में भी आ रहे हैं और सिंगिंग को भी रियाज के लिए टाइम समय देना पड़ता है, तो मेंटेन कैसे करते हैं खुद को? हमें कभी भी दिमाग के ऊपर या दिल के ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए जी। दो चीजें मेन होती हैं, एक होती है टाइम मैनेजमेंट और एक होती है वर्क मैनेजमेंट। अगर आपको अपने समय का पता है कि मैंने अपने समय को कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है प्रॉपर वे में, तो आपको टाइम मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको पता है कि मैंने अपना काम कब काम कौन सा कहाँ करना है कैसे करना है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं सिंगिंग की लाइन में जाती हूँ तो मुझे वहाँ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ भी मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, तो पहले तो मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊँ, लेकिन हमारे अपने जो हमें चाहते थे तो उनके प्यार और उनकी सद्भावना ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं राजनीति में कदम रखूं। मतलब आपका पहले से कोई औचित्य नहीं था पार्टी में? पहले मैं ऐसे मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन होता क्या है कि हमेशा कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस जैसे बनते हैं कि आदमी को वो जाना कहीं और चाहता है और पहुंच कहीं और जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब जो जो भी मेरे में चेंजिंग आ रही है, बदलाव आ रहे हैं, वो शायद समय के साथ साथ मुझ में ये बदलाव आ रहे हैं, और जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको मैं पूरा अवेल करने की कोशिश करती हूँ। मैम अब आपको पद दिया गया है धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में उपाध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी। तो मैम किस नजर से देखते हैं राजनीति को? जैसे बाकी राजनेता और बाकी आप भलीभांति परिचित हैं राजनीति से, देश की राजनीति किसी से छुपी नहीं है, तो आप किस नजर से देखेंगे अब आप पार्टी में आए हैं और आपको छोटा सा एक कार्यभार संभाला गया है पार्टी की तरफ से, तो किस नजर से देखेंगे अब राजनीति को? मैं सभी राजनीतिक पार्टियों का सम्मान करती हूँ, और जहाँ तक विचारधारा की बात है तो मैंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को फॉलो किया है, और जो मुझे छोटा सा पद विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में उपाध्यक्ष का मिला है उसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित रहूंगी, और जो हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ उस स्तर पर मुझे कोई भी कार्यभार अगर दिया जाता है तो मैं उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगी जी। मैम इसके अलावा अब हिमाचल संगीत जो है वो प्रचलित होने लगा है, पहले की तरह ऐसा नहीं है कि अब सोशल साइट्स पर आपको पहाड़ी गीत मिल जाते हैं आसानी से, पहले नहीं मिलते थे, तो धीरे धीरे स्कोप बढ़ रहा है, तो
हमने सुना है आपकी भी एक कंपनी है एल सीरीज के नाम से, जहाँ पे आप प्रोडक्शन करती हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन करती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई अपना गाना या आपसे कोई सहायता चाहता है, किस तरह से ले सकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है बहुत विकट है और बहुत लंबा चौड़ा है हिमाचल प्रदेश। और अगर आप जिला वार भी देखें तो वहाँ की भाषा, पानी, रोटी, हर चीज में बदलाव है, चेंजिंग आती है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं अच्छा काम कर रही हूँ। मेरी अपनी कंपनी है जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ, एल सीरीज म्यूजिक प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें मैंने काफी बच्चों को, काफी लोगों को काम दिया था और काफी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे का ऐसा कोई इंटरेस्ट है जो प्लेटफॉर्म चाहता है तो हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम उन बच्चों को अच्छा चांस दे सकते हैं और काम भी देंगे ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। मैम, पूरे प्रदेश में आपके चाहने वाले हैं, आपके संगीत के काफी चाहने वाले आपके हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं अपने चाहने वालों को पहले तो हार्दिक उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे सुना है और आगे के लिए भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ सिंगिंग की लाइन में, मुझे सुने। और जहाँ अगर ऐसा लगे कि मुझे कमेंट देने की जरूरत है या मुझे गाइडलाइंस देने की जरूरत है, सजेशन देने की जरूरत है, तो मैं उनको भी पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करूँगी और हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है मैं उसको कोशिश करूँगी कि जितना मैं उसके लिए कर सकूँ। क्योंकि ये जो कल्चर होता है एक समंदर की तरह होता है जी, बहुत विशाल है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा भी हम कर सकते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि हम उसके किनारे तक भी नहीं हम पहुंच सकते हैं, इतने विशाल है हमारी संस्कृति जी। तो उसके लिए जितना हम कर पाएंगे उतना करेंगे जी। धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ लता पठानिया जी, जिन्होंने संगीत जगत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया है और काफी लंबे समय से जो है वो संगीत जगत के साथ जुड़े हुए हैं, अभी राजनीति में भी आए हैं। तो इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।